अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पीके ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि GHQ का कल जो मैंने आपको जॉब अनाउंसमेंट बताई थी, कि जो आपको ऐड बताया था, उसका जो फॉर्म था उसको कैसे फिल करने हैं, उसका तरीका लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीके जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल के ऊपर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये GHQ का जो जॉब अनाउंस नहीं है उसका अप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको ने कैसे फिल करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ऊपर अप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है और उसके दाईं तरफ देखें तो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, इसको आपने छोड़ देना। यहाँ पर आपने अपना एक 1x1 का फोटोग्राफ ले टेस्ट निकालना है, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड पार्ट, ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। नए कासद है, क्लर्क है, जो भी है, यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। नीचे नेम ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है, आपकी कितनी एज बनती है क्लोज डेट, जो उसकी 7 तारीख है ना, वहाँ तक आपकी कितनी एज बनती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद रिलीजियन है, ठीक है, यहाँ पर आपने इतना मज़हब लिखना है तो यहाँ पर आपने मुस्लिम, ठीक है। डिसबिलिटी इफ एनी, अगर आप माजूर हैं तो यहाँ पर आपने अपनी माजूरी का जो भी आपकी माजूरी है वो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर है, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, इस तस्वीर के नीचे जो लाइन आपको नज़र आ रही है वहाँ पर। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपकी डाक आती है, पोस्ट आती है, वहाँ पर आपने तो इन दो लाइनों के ऊपर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े हरूफ के अंदर आपने लिखना है, बड़े कैपिटल जो वर्ड होते हैं ना उनके अंदर आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है, अपने मोबाइल नंबर जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। FA मैट्रिक है, डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है, डिग्री का नाम लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर 2015-16-17-18 जो है यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी, स्कूल का नाम लिखें, बोर्ड का नाम लिखें, या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। उसके बाद डिवीजन आपने लिखनी है, कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी आपकी डिवीजन है वहाँ पर आपने लिखनी है। और ग्रेड जो आपका है, A है, B है, C है, D है, E है, जो भी आपका ग्रेड है वहाँ पर आपने ग्रेड लिखना है। CGPA है, ठीक है, जहाँ पर आपने लिखना है, ये अमूमन यूनिवर्सिटी के जो होते हैं उनका CGPA ग्रेड होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो एक्सपीरियंस है, इफ यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। और ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, ठीक है, यानी कि आप कि क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर सर्व, ठीक है, कितने साल कितने महीने आपने जॉब किए। फील्ड ऑफ वर्क, आपका जो वर्क था वो किस लेवल का था, ठीक है। उसके बाद आगे आपने पोस्ट लिखनी है, रिजर्वेशन है जहाँ पर आप जॉब करते रहे हैं, उस पोस्ट का क्या नाम है, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप एक्स सर्विस मैन है कहीं पर, आप पहले भी जॉब करते रहे हैं तो यहाँ पर आपने उसकी वगैरह जितनी भी डिटेल है यहाँ पर, ठीक है। नीचे आपने यहाँ पर डेट देनी है, उसके बाद इस तरफ आपने जो है वो सिग्नेचर करना है, तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।